आज का सुसंस्कार अनुव्रत एवं महाव्रत। भगवान महावीर ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो महाव्रती धर्म, दूसरा अनुव्रती धर्म। महाव्रती धर्म वाले हैं जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो कर्म में शूरवीर होते हैं वही धर्म में शूरवीर होते हैं। जो ताकत वाले होते हैं, पिछले जन्म से जो है वो अच्छे कर्म किए होते हैं, वो साधुत्व लिए हुए होते हैं, वैराग्य को कैरी फॉरवर्ड किए हुए होते हैं, वो महाव्रती बनते हैं। महाव्रती बनने पर उनका सारा संपर्क घर से टूट जाता है और वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन जाते हैं। और जो साधु और ग्रस्त के बीच में अंतर यह है कि साधु के रसोई नहीं होती, घर नहीं होता, संबंध नहीं होता, यानी वो वसुधैव कुटुंबकम का सारी दुनिया का वो जो है वो एक सदस्य बन जाता है, वो परमार्थ की चेतना में चले जाते हैं। और जो गृहस्थी होता है वह स्वार्थ और परार्थ की चेतना तक ही रह पाता है, तो अनुवृत्ति, क्योंकि उनके शरीर होता है, घर होता है, परिवार होता है, देश होता है और अतिथि देवो भव होता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो वो अनुवृत्ति का मतलब यह है कि सूक्ष्म हिंसा की उनको छूट होती है, स्थूल हिंसा नहीं करना और उसमें भी इच्छा परिमाण करना, अपनी इच्छाओं को सीमित करना और हिंसा अहिंसा के बारे में जान करना, किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट देना हिंसा कहलाता है। जितनी रोक सके उसकी उसकी मर्यादा करना, उसकी सीमा करना, उसका इच्छा परिमाण करना, वो अनुवृत्ति कहलाता है। अनुवृत्ति जीवन भी अच्छा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति महाव्रति कठोर तपस्या नहीं कर सकता। तो अनुव्रत तो बहुत सीधा सीधा है और उसकी बड़ी सीधी फॉर्मूला है, सीधी थ्योरी है कि मैं किसी भी प्राणी को मेरी तरफ से दुख नहीं दूंगा, वो अनुव्रति होता है।